वेरी गुड आफ्टरनून क्लास सिक्स. टू डेज बैक आई गेव यू दिस लेसन, अ टेल ऑफ टू बर्ड्स फ्रॉम दिस बुक, अ पैक्ट विद द सन. आई टोल्ड यू टू रीड द लेसन. ओके, टुडे वी विल डू इट्स एक्सप्लेनेशन. अ टेल ऑफ टू बर्ड्स, दिस इज लेसन वन. अ टेल मीन्स स्टोरी. किसकी स्टोरी? दो बर्ड्स की, पक्षियों की. A mother bird and her two young ones lived in a forest. Mother bird और उसके दो बच्चे जंगल में रहते हैं. The mother was killed in a storm and the young birds were separated from each other. उनकी जो मदर थी, एक बार आंधी तूफान आई तो उसमें वो मर गई, और जो दो बच्चे थे उसके, वो एक दूसरे से जुदा हो गए इस आंधी तूफान की वजह से. Each found a different home. अब वो जुदा तो हो गए, सेपरेट तो हो गए, और उनको अपना अपना एक अलग अलग घर मिल गया. नाउ लेट्स रीड द स्टोरी. देयर वंस लिव्ड अ बर्ड एंड हर टू न्यू बॉर्न बेबीज इन अ फॉरेस्ट. एक बार बर्ड और उसके दो न्यू बॉर्न बेबीज, यानी कि बर्ड्स ही थे वो भी, वो जंगल में रहते थे. दे हैड अ नेस्ट इन अ टॉल शेडी ट्री एंड देयर द बर्ड टुक केयर ऑफ हर लिटिल वंस डे एंड नाइट. उनका एक लंबा सा जो पेड़ था, शेडी था, जो बहुत ही छाया देता था, लंबा चौड़ा पेड़ था, उसमें उसकी मदर ने घर बना रखा था. और उसी घर क्या होता है बर्ड का? घोंसला, नेस्ट. नेस्ट बना रखा था और मदर जो थी उसी में वो अपने बच्चों के साथ रहती थी और उनकी देखभाल दिन रात करती थी. वन डे देयर वॉज अ बिग स्टॉर्म. ऐसी लाइफ उनकी आगे चल रही थी तो एक दिन क्या हुआ, बहुत आंधी तूफान आई जोर से. देयर वॉज अ थंडर, बादल गड़गड़ाए, गरजे, लाइटनिंग एंड रेन, यानी कि बिजली चमकी और बारिश हुई खूब. एंड द विंड ब्लू डाउन मेनी ट्रीज. और इतनी तेज आंधी तूफान आया कि उस आंधी तूफान ने कई पेड़ मतलब गिर दिए. इतनी तेज आंधी तूफान आई कि कई पेड़ गिर गए. द टॉल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव ऑल्सो केम डाउन. तो जिस पेड़ में उनका घर था, वो रहते थे, वो भी टूट गया, नीचे गिर गया. अ बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट एंड किल्ड द बर्ड. तो जब आंधी तूफान आ रहा था तो एक बड़ी सी जो ब्रांच थी उस पेड़ में, वो उसने क्या करा, नेस्ट पे आके वो गिर गई, जिसमें वो जो घोंसला था ना उसके ऊपर आके ब्रांच गिर गई और किल द बर्ड, और उनकी जो मदर थी वो उसको मार दिया, वो मर गई. फॉर्चुनेटली फॉर द बेबी बर्ड्स स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू देम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट. लेकिन ये उनका अच्छा लक था कि जब विंड चली तो जो बर्ड्स थे, जो छोटे छोटे बर्ड्स थे, वो फॉरेस्ट के दूसरी तरफ चले गए, उड़ के चले गए. उनको कुछ नहीं हुआ. वन ऑफ देम केम डाउन नियर अ केव वेयर अ गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड. एक जो पक्षी था, एक जो बेबी बर्ड था, वो एक गुफा की तरफ आया. उस गुफा में रॉबर्स का जो गैंग था, यानी कि जो लूटते हैं, चोरी वगैरह करते हैं, वो उन रहते थे उस केव में. और वो बर्ड, एक बर्ड जो था बेबी बर्ड, वो उस केव के पास आ गया. The other landed outside a rishi's ashram a little distance away. और दूसरा जो था बर्ड, जो बेबी बर्ड था, वो ऋषि के आश्रम में आ गया था, जो थोड़ा सा उनके फॉरेस्ट से दूर था. Day passed and the baby birds became big birds. ऐसे ही टाइम बीतता रहा और वो छोटे छोटे जो बर्ड्स थे वो बिग बर्ड्स बन गए, बड़े बर्ड्स बन गए. One day the king of the country came to the forest to hunt. एक दिन राजा जो था उनकी कंट्री का, वो जंगल में आया शिकार के लिए. He saw a deer and rode after it. उस राजा ने एक हिरन को देखा और उसके पीछे पीछे वो उसको मारने के लिए भागा. अब हिरन तो बहुत तेज भागते हैं, आपको मालूम है. So it ran deep into the forest followed by the king. वो खूब तेज भागा और वो बीच में फॉरेस्ट में आ गया, पीछे पीछे राजा उसका जो था वो पीछे पीछे उसको मारने के लिए भागा, यानी कि राजा भी उसके पीछे पीछे उसको फॉलो करा.
सून द किंग लॉस्ट हिज वे एंड डिडंट नो वेयर ही वॉज। अब उसका पीछा करते करते वो जंगल में इतना बीच में आ गया कि राजा को अपना वो रास्ता ही वापस आने का वो भूल गया और उसको पता भी नहीं था कि वो कहाँ पर है। ही रोड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम टिल ही केम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। फिर वो चलता गया चलता गया चलता गया तो वो फॉरेस्ट के दूसरी तरफ आ गया। वेरी टायर्ड बाय नाउ, अब वो चल चल के मतलब था तो उसके पास एक घोड़ा पर वो बहुत थक चुका था उसका पीछा करते करते। ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स एंड सैट डाउन अंडर अ ट्री दैट स्टूड नियर अ केव। अब वो थक गया था घोड़े पे उसका पीछा करते करते, तो उसने क्या करा, वो घोड़े से उतरा और वो जो केव था जहाँ पे गैंग ऑफ रॉबर्स रहते थे उसके पास, वहाँ पे एक पेड़ था, वहाँ पे जाके वो बैठ गया। सडनली ही हर्ड अ वॉइस क्राई आउट, क्विक हरी अप, देयर इज समवन अंडर द ट्री, कम एंड टेक हिज ज्यूल्स एंड हिज हॉर्स। जब वो आराम कर रहा था तो उसको एक आवाज़ आई कि जल्दी करो, वहाँ पर कोई है, उस पेड़ के नीचे कोई है, जल्दी आओ, उसका जो जूल्स है और उसके जो घोड़ा है, जूल्स मतलब हीरे जवाहरात जो है वो ले लो और उसका घोड़ा भी ले लो, हरी और एल्स ही विल स्लिप अवे, जल्दी करो नहीं वो चला जाएगा। द किंग वॉज अमेज्ड, किंग को बहुत हैरानी हुई। ही लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री अंडर विच ही वॉज सिटिंग। उसने जब ऊपर देखा कि किसकी आवाज है तो उसने ये देखा कि वो जो छोटा सा बच्चा था बर्ड, अब वो जो बड़ा हो गया था, बिग ब्राउन बर्ड था ट्री के ऊपर, जो उस पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था। वो ये सारी बातें किसको बोल रहा था, गैंग ऑफ रॉबर्स को। ही ऑल्सो हर्ड फेंट नॉइजेस इशूइंग फ्रॉम द केव। ही क्विकली गॉट ऑन टू हिज हॉर्स एंड रोड अवे एज फास्ट एज ही कुड। अब वो उसने क्या करा, उसने अब सारी बात तो सुन ली थी, तो उसने क्या करा, फटाफट वो उठा, अपने घोड़े पे बैठा और इतनी जल्दी वो भागा जितनी जल्दी वो भाग सकता था। नाउ द किंग वॉज अमेज्ड टू हियर अ सिमिलर वॉइस अगेन। ही केम टू नो द बर्ड्स ट्रू स्टोरी। ही मेट द ऋषि हु एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ ईच बर्ड। नाउ सून ही केम टू अ क्लियरिंग विच लुक्ड लाइक एन आश्रम, इट वॉज ऋषिज आश्रम। फिर वो जब भागा वहां से तो वो एक ऋषि का जो आश्रम है जहाँ पे दूसरा बर्ड ने अपना घर बना लिया था वहां पर आया। द किंग टाइड हिज हॉर्स टू अ ट्री एंड सैट डाउन इन इट्स शेड। फिर उसने वो ऋषि के आश्रम तक पहुंचा तो आश्रम में उसने एंटर करा, उसने क्या करा, अपने घोड़े को टाई कर दिया और वो वहां पर छाया में जाके बैठ गया। सडनली ही हर्ड अ जेंटल वॉइस अनाउंस, वेलकम टू आश्रम सर। फिर उसने एक प्यारी सी आवाज सुनी कि सर आपका इस आश्रम में वेलकम है, प्लीज गो इनसाइड एंड रेस्ट, प्लीज आप अंदर जाओ, इस यहाँ से यहाँ पे मत बैठो, अंदर जाओ और आप अपने आराम से रेस्ट करो, द ऋषि विल बी बैक सून, जो ऋषि है वो जल्दी ही वापस आएंगे। देर इज सम कोल्ड वाटर इन द पॉट, प्लीज मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, आप अंदर जाओ और रेस्ट करो, वहाँ पे पॉट है उसमें ठंडा पानी होगा, प्लीज जाओ और आप अपने आप को कम्फर्टेबल बनाओ, मीन्स आप आराम करो। द किंग लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री। फिर दोबारा उसने पेड़ के ऊपर देखा तो उसने देखा कि वो एक और बर्ड है, वही बातें बोल रहा था। ही वॉज अमेज्ड, दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव, ही सेड टू हिमसेल्फ लाउडली। जब उसने देखा कि ये बर्ड है उसकी रिजेम्बलेंस जो है वो पहले वाले जो बर्ड था उससे बहुत है, क्योंकि वो उसी का ही ब्रदर था, बहुत है, तो बोलते अरे ये तो मैंने जो केव में जो मैंने देखा था बर्ड, ये तो उसकी जैसा लगता है। यू आर राइट सर, आंसर द बर्ड, ही इज माई ब्रदर बट ही हैज मेड फ्रेंड्स विद रॉबर्स। कहते सर आप एकदम सही बोल रहे हो, वो मेरा ब्रदर है और उसने जो रॉबर्ट्स हैं उससे दोस्ती कर ली है। ही नाउ टॉक्स एज दे डू, अब वो बातें करते हैं गैंग ऑफ रॉबर्ट्स, जो रॉबर्ट्स बात करते हैं वो वही भाषा बोलता है। ही डजंट टॉक टू मी एनी मोर, वो मुझसे भी बात नहीं करता। जस्ट देन द ऋषि एंटर्ड द आश्रम, और फिर जब वो दोनों बात कर रहे होते हैं इतने में ऋषि आ जाते हैं। सो टुडे वी विल डू अप टू हियर। Now what you will do
आई हैव अंडरलाइन द वर्ड्स इन द बुक, यू विल फाइंड आउट देयर मीनिंग्स फ्रॉम द डिक्शनरी एंड यू विल राइट इन योर नोटबुक. थैंक यू.